हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड गाइस, ये हमारा लास्ट डे रूल सर्वाइवल का रैंक सर्वर का होने वाला है डे नंबर 2। तो फाइनली गाइस, आज हम लोगों का प्लान था, आज जो है हम यहाँ पे ऑयल बम का रेसिपी लर्न करके काफी ज्यादा छोटे छोटे बेसिस वगैरह रेड करेंगे। और हाँ गाइस, अभी जो हमारे पास बिल्कुल भी फार्म वगैरह नहीं है। वैसे हमने 2-3 बारी बॉट बेस तो ऑलरेडी लूट लिया है और हमारे पास अभी लगभग 4000 जीपी है। सो इतना जीपी तो सफिशिएंट होगा। सो मैंने डिसाइड करा जब तक यार यहाँ पे रेड टाइम ऑन होता है तब तक यहाँ पे मैं फार्म वगैरह कर लेता हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पे रूम्स वगैरह तो मेरे जो टीममेट है वो कर रहे हैं। तो मैंने डिसाइड करा मैं ऐसे करता हूँ ना, रूम फार्मिंग करने के लिए निकलता हूँ। ओके गाइज, यहाँ पे एक राउंड तो मैं लगा के आ चुका हूँ। अभी मेरे पास लगभग यार 6000 सल्फर है। सो जितना भी गाइस मेरे पास ये सल्फर है वो मैं फर्नेस में डालूंगा एंड दोबारा से गाड़ी पकड़ूंगा एंड फिर से जो है ना गाइस यहाँ पे से हम फार्म वगैरह करने के लिए निकल जाएंगे। एंड जैसे यहाँ पे 4:30 बचेंगे ना, तो गाइस होता होगा यहाँ पे काफी ज्यादा घमासान। तो गाइस यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नए एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज गाइस यार क्या कर रहे हो, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ गाइस, आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 300। आई होप गाइस आप लोग 300 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। तो यार आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मेरे पास सल्फर काफी ज्यादा था एंड मैंने उस टाइम आयरन भी करा था। सो हमने भी आयरन जो है ना वो फर्नेस में मेल्ट करने के लिए रख दिया है और जितना एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना गाइस मैं यहाँ पे फर्नेस में वगैरह स्टोरेज बॉक्सेस में डाल दूंगा। और अभी जो है ना गाइस लगभग 1 घंटा बचा था, 3:30 बज रहे थे, तो मैंने डिसाइड करा एक फर्नेस रखता हूँ एंड जितना एक्स्ट्रा मटेरियल है वो यहाँ रखूंगा और दोबारा से गाइस मैं यहाँ पे से निकलूंगा फार्मिंग करने के लिए। तो यार जितना भी एक्स्ट्रा ये आयरन वगैरह है मैं यहाँ पे डालता हूँ। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो लेट्स गो फटाफट से चलते हैं। वैसे मेरे को शॉटगन का बुलेट्स बनाना पड़ेगा, ऑलरेडी गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा शॉटगन का बुलेट्स है तो मैं उठा लेता हूँ। और चलिए अब मैं ऐसा निकलता हूँ ना, यहाँ पे से निकलते हैं। वैसे गाड़ी तो है मेरे पास, सो लेट्स गो गाइस फटाफट से निकलते हैं एंड फार्मिंग करके आते हैं। तो चलो फ्यूल डालता हूँ फटाफट एंड निकलता हूँ। अरे डोर ओपन करना पड़ेगा, वैसे गाड़ी में बैठ के मैं डोर ओपन तो कर सकता हूँ, चलो पहले ही कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गाइज फाइनली यहाँ पे से मैं निकल चुका हूँ फार्मिंग करने के लिए एंड लगभग गाइज मैंने 1.5 घंटा फार्मिंग करी एंड फाइनली यार यहाँ पे मैं आ चुका हूँ फार्म करके। एंड देखना गाइज मेरे पास कितना सल्फर था। वैसे मैं फ्यूल वगैरह निकाल देता हूँ, चलो कोई नहीं, फ्यूल निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अपना ही बेस है यार, और वो भी डोर वगैरह लगा के रखा हुआ है। क्या करें, निकाल दे, वैसे करता हूँ मैं निकाल ही देता हूँ। अरे भैया बैठना नहीं है, फ्यूल निकालना है। तो ओके गाइस, लगभग 174 फ्यूल था हमारी गाड़ी में एंड मेरे को मैंने इसलिए निकाला क्योंकि हमें जो है ना गाइस यहाँ पे डीप रिफाइनर का रेसिपी भी मिल गया था कल को। तो मैंने डिसाइड करा जितना भी मेरे पास टाइटेनियम है ना वो मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। लगभग मेरे पास 295 टाइटेनियम था एंड सल्फर भी गाइस काफी ज्यादा है, सो वो सल्फर मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो भैया जगह ओके यहाँ पे रख देता हूँ। ओके ये सल्फर खाली हो चुका है फर्नेस, सो यहाँ पे मैं 2-2 के स्टैक में रखता हूँ। तो ठीक है गाइस, सल्फर वगैरह हमने यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में रख लिया है। अभी ऐसे करते हैं ना, अब हम यहाँ पे से निकलते हैं। सो ये एक्स्ट्रा जितना भी बच रहा है ना वो यहाँ पे डालता हूँ। तो लगभग दो फर्नेस पूरा भरा हुआ है गाइस 2-2000 में। तो ओके गाइस, अभी जो है यहाँ पे 4:30 बज चुका है। सो मैंने डिसाइड करा सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑयल ड्रम का रेसिपी लर्न करता हूँ। सो उसके लिए मेरे को ऑयल ड्रम चाहिए, मैं सारे बॉक्सेस में देखा एंड लकीली गाइज यहाँ पे मेरे को एक ऑयल ड्रम तो मिल चुका है। अभी जो है हम लोग फटाफट से यार रेसिपी लर्न करते हैं। ओके मेरे पास ऑलरेडी 2600 स्पेयर है, सो लगभग 600 स्पेयर में ऑयल ड्रम का रेसिपी तो इजिली निकल जाएगा एंड जितना एक्स्ट्रा स्पेयर था मैं वो यहाँ पे रख लेता हूँ। एंड अभी जो है मेरे को थोड़ा सा वेट करना होगा, जैसे ऑयल ड्रम का रेसिपी लर्न होगा ना गाइज तो मैं जितना भी हमारे पास जीपी वगैरह है सारे का ऑयल ड्रम्स बना लूंगा एंड हम लोग निकलेंगे यहाँ पे से रेड करने के लिए। और हाँ गाइज, एक बंदे का हमसे काफी ज्यादा पंगा चल रहा है, मतलब कुछ देर पहले वो हमारा बेस कम कर रहा था शॉर्ट गन लेके एंड हम लोगों ने प्लान किया था जैसे यहाँ पे रेड टाइम होगा ना तो सबसे पहले हम उसका बेस रेड मारेंगे। ओके गाइज, यहाँ पे मेरे ऑयल ड्रम का रेसिपी जो है ना वो लर्न कर लिया है।
अभी फटाफट से मैं यहाँ पे जीप क्या बोलते हैं ऑयल ड्रम्स बना लेता हूँ। अरे जीपी मेरे पास लगभग अभी तो 1000 ही है लगता है, जितना भी एक्स्ट्रा जीपी था हमारे पास उनका हमने बुलेट्स या फिर शॉटगन का बुलेट्स बना लिया है, तो मेरे पास 1500 जीपी है। एंड देखते गाइस इतने में कितना बनता है। एंड जितना एक्स्ट्रा सल्फर है और चारकोल से मैं जीपी बनाने का ट्राई करता हूँ। तो चलो गाइस अभी मेरे को यहाँ पे आयरन चाहिए एंड मैं अपना कैबिनेट में देखता हूँ, थोड़ा बहुत आयरन तो हो गई। ओके यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन है, फटाफट से ऑयल ड्रम बना लेता हूँ। लगभग 25 से 30 के करीब ऑयल ड्रम तो इजीली बन जाएगा। तो गाइस फाइनली ऑयल ड्रम्स क्राफ्टिंग में लगाते, तो मैंने यहाँ पे अपने टीममेट से बोला कितना ऑयल ड्रम्स बनाऊं, तो उन्होंने बोला जितना ऑयल ड्रम्स बन रहा है उतना बना दो, लगभग यार 25 ऑयल ड्रम एंड कुछ जीपी। एंड अभी जो है ना गाइस यहाँ पे मेरे टीममेट कहीं जा रहे के थे, जो बंदा हमारा बेस कम कर रहा था उसके बेस के पास में, एंड वहां पे जो है ना गाइस एक एनजे नाम का चाइनीज बंदा आ रहा था क्योंकि अपने टीममेट्स को मार रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड करो चलो यार उधर ही चलते हैं एंड देखते हैं वो है कौन जो अपने टीममेट्स को मार रहा है। तो गाइस यहाँ पे जो है ना अपने टीममेट ने उसको तो मार दिया एंड ये बंदा जो है ना गाइस ये बंदा वही है जो सोलो में अपना बेस कैंप कर रहा था। एंड हम लोगों ने डिसाइड करा भैया तू रुक अभी तेरे को बताते हैं, जब तेरा बेस रेड करेंगे ना तब पता चलेगा कि बेस कैंप करना किसको बोलते हैं। तो फिर क्या था गाइस यहाँ पे हमने अपने सब्सक्राइबर भाई लोगों के साथ मिलके फटाफट से यार इसके बेर को रोड मारना स्टार्ट करा। एंड अभी जो है ना गाइस यहाँ पे डोर में मैंने ऑयल ड्रम्स लगाए थे वो काफी ज्यादा ऊपर लगाए थे, तो मेरा प्लान था कि स्टीयर ना टूटे, पर क्या था गाइस यहाँ पे स्टीयर टूट चुका है। सो मैंने डिसाइड करा अपने टीममेट से बोल के कि मेरे को ऊपर चढ़ाओ, यार ऊपर चढ़ाने का यहाँ से ट्राई कर रहा था पर यहाँ पे से तो नहीं चढ़ पाए। तो हमारा एक प्लान है गाइस इस तरीके से हम लैडर्स बनाते हैं जो कि काफी अच्छा काम करती है। एंड यहाँ पे इस बंदे की इन्वेंट्री में देखता हूँ, ओके 8 स्प्रिंग्स मिले जो कि काफी ज्यादा बढ़िया थे एंड फर्नेस है, लगता है फर्नेस में तो कुछ होगा नहीं। एंड यहाँ पे गाइस डोर जो है ना उसने अपना कैबिनेट वाला वो आयरन का करके रखा हुआ है एंड आयरन का रेड मारना लगभग 30 ऑयल ड्रम्स। ओके गाइस यहाँ पे भी फर्नेस है, अगर यहाँ पे हम तोड़ते हैं तो डेफिनेटली गाइस हमें कैबिनेट मिल जाएगा। अरे फायर का शॉट आया तो लगता है मुझे बाहर जाके देखना पड़ेगा। एंड अपने टीममेट बोलने लगे थे भैया एनजे नाम का चाइनीज आ गया फटाफट से बाहर आओ एंड चलो गाइस उसको मारने का ट्राई करते हैं। एंड देखो गाइस यहाँ पे पता नहीं क्या सीन है, मेरी एक भी बुलेट्स का डैमेज नहीं आ रहा है। फिर भी गाइस मैं यहाँ पे आया तब तक मेरे टीममेट ने जो है ना उसको नॉक कर लिया था एंड मैंने जो है उसको पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। अभी जो है ना अपने टीममेट्स को रिवाइव दे देते, तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एनजे नाम के बंदे ने अपने दोनों टीममेट को नॉक कर दिया। ओके गाइस जैसे मैंने अपने टीममेट को रिवाइव दिया एंड ये बंदा जो कैंप कर रहा था हमको वो बंदा दोबारा से यार एसएमजी लेके आया एंड तुम्हारे भाई ने यार उसको इजीली बहुत ही प्यारे के तरीके से मारा। एंड अभी जो है ना गाइस हमने रेड पूरी नहीं करी है एंड सबसे पहले उसका कैबिनेट तो फोड़ना ही पड़ेगा। तो जैसे गाइस मैं यहाँ पे आया ना तो मैं समझ गया था मैं वहां पे से लगाऊंगा ना मॉम तो लगभग 2 वॉल तोड़नी पड़ेगी एंड यहाँ पे जो है ना गाइस डोर था, तो मैंने डिसाइड करा सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं एंड उसके बाद जो हाफ वहां पे वॉल है ना वो तोड़ेंगे। तो फिर क्या था गाइस मैंने फटाफट से यहाँ पे ऑयल ड्रम्स लगाया एंड 3 ऑयल ड्रम्स में जो है ना इसका ये स्टोन का डोर तो टूट चुका था। और अभी जो है मैं यहाँ पे 10 ऑयल बम और लगाता हूँ, बस यार ऑयल बम ग्लिच ना हो ऐसे का तो 3-3 करके ही लगाऊंगा क्योंकि गाइस एक साथ लगाऊंगा ना चांसेस काफी ज्यादा होते हैं ऑयल ड्रम्स ग्लिच होने का। सो मैंने डिसाइड करा यार ऑयल ड्रम तो ग्लिच करने नहीं है। पहले अपने टीममेट्स लोग बोल रहे थे कि वहां पे डोर है, तो मैंने कहा भाई ये डोर नहीं है वॉल है, स्टोन की वॉल है तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो यार फटाफट से करते हैं, अभी जो है ना मैं इस बारी 5 ऑयल ड्रम्स लगाता हूँ एंड गाइस फूट जाएगा, नहीं 2 ऑयल ड्रम्स और लगाना पड़ेगा। ओके फाइनली यार यहाँ पे 3 ऑयल ड्रम्स लगा दिया है, आई होप गाइस अब तो टूट ही जाएगा। तो यार जैसे ही वो टूटा ना एंड इस बेस का बंदा जो था वो ऑनलाइन आ चुका था एंड देखो गाइस यहाँ पे फुटस्टेप्स आने लगे। हमारा प्लान था सबसे पहले उस बंदे को मारो, बस उसे उसका बेस रिपेयर करने नहीं देना है। ओके ये रहा एंड मैं तो गाइस रैंडम गोलियां चला रहा था एंड वो जो है ना काफी ज्यादा कवर में गया एंड मेरे पास एक एंगल तो मिल रहा था उसको मारने का। फिर क्या था गाइस मैंने एंगल बनाया एंड भर दिया उसको, देखो यहाँ पे से डेफिनेटली दिखेगा तो जरूर दिखा गया। तो ओके गाइस यहाँ पे मैंने उस बंदे को मारा एंड बाद में मैं अपने टीममेट से बोलने लगा मुझे ऊपर चढ़ाओ। अरे यार यहाँ पे कैबिनेट में बॉम्ब्स लगाना पड़ेगा एंड सबसे पहले ये जो ओपन बॉक्स है ना उसको चेक करता हूँ। सो इसमें तो हमें कुछ खास मिला नहीं, बस
पिस्टल था एंड वो बंदा गाइस यहाँ पे दोबारा आया एंड इसको भी मारता हूँ। किस तरीके से मारना पड़ेगा? चलो ऐसे करते हैं, जंप करके मैं उसकी तरफ तो जा सकता हूँ। तो मैंने अपने टीममेट से बोला यार फटाफट से ऑयल ड्रम लगाओ, ऐसे करता हूँ मैं ही लगा देता हूँ। तो भैया इसका कैबिनेट तो फूट चुका है, फटाफट से यहाँ पे लूट उठाऊंगा मैं। अरे कहाँ फायर हो रहा है, लगता है वो एनजे नाम का चाइनीज दोबारा आया एंड अपने एक टीममेट को नॉक किया। अरे भैया दो को खा गया गाइस, अच्छा खेल रहा है मतलब बंदा, पर मैंने उसका फायदा उठाया, पीछे से मैंने उसको इजीली मार दिया था। एंड गाइस यहाँ पे जो है ना, हमें इसके बेस से मिल चुका था एक्सप्लोजिव, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया था यार। एक्सप्लोजिव बोले तो काफी ज्यादा गजब की चीज है। तो चलो गाइस जितना भी सामान मैं यहाँ पे उठा सकता हूँ सारा का सारा उठाऊंगा एंड उसके बाद अगर जो सामान मैं उठा नहीं पाऊंगा तो मैं अपने टीममेट्स को बुलाऊंगा एंड उनसे बोलूंगा ये सामान तुम उठा दो। तो भैया यहाँ पे ये कुछ नीडल्स एंड थ्रेड्स है वो भी उठा लिए हैं। और यहाँ पे क्या गिरा सामान? तो गाइस कुछ गिरा नहीं यहाँ पे, SMG इसका गिरा हुआ। सो SMG जो है ना मैं उठाता हूँ, क्या गिरा हूं अभी, ऐसे करता हूँ शॉटगन ट्रैप गिरा देता हूँ और स्केलेटन हेड। तो चलिए गाइस अभी जो है ना हम लोग फटाफट से ऐसे करते हैं ना यहाँ पे से बाहर निकलते हैं। तो यार मैंने अपने टीममेट से बोला ऊपर कंपोनेंट्स हैं काफी ज्यादा, तुम एक बंदा ऊपर चढ़ो एंड जितना भी सामान वगैरह कचरा कुचरा है वो उठा के अपने बेस में लेके चलो। तो यार जैसे हम यहाँ पे से निकल ही रहते ना, वो एनजे नाम का चाइनीज का बंदा वो दोबारा से यहाँ पे आया एंड यार मतलब बंदा काफी अच्छा खेल रहा है यार, क्या ही बोल सकते, दो दो बंदों को खा जा रहा है वो एक नॉर्मल SMG से। देखो गाइस दिखने लगा मेरे को वो पीछे आ चुका है जहां पे ये बेस बना के रखा हुआ है। तो मैंने डिसाइड करा चलो यार चलते उसको मार के आते। अबे कहां से जंप मारा ये? ओके गाइस मर गया। तो हम गाइस ऐसे करते ना यहाँ पे अपने टीममेट्स को तो रिवाइव करेंगे और उसके बाद जो हम डायरेक्ट यहाँ पे सब भागेंगे अपने बेस में। तो भैया मैं तो निकल चुका अपने बेस में। अरे भाई कोई आ रहा है मेरे साथ? ओके गाइस यहाँ पे अपने एक सब्सक्राइबर भाई आ चुके हैं जिनके पास सामान है। तो ऐसे करते ना अब यहाँ पे से हम लोग फटाफट से निकलते हैं अपने बेस में। तो यार जैसे हम लोग अपने बेस में गए एंड हमारा प्लान था कि हमारे बगल में एक बेस है ना जो कि कल एक बेस रेड मार के आया था एंड काफी ज्यादा शाणा बन रहा था। तो अपने एक सब्सक्राइबर भाई ने बोला चलो यार भाई उसको रेड मारते। तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते। तो यार जैसे हम उसको रेड मारने गए ना, जिस बंदे का बेस हमने अभी रेड मारा वो जो है ना गाइस यहाँ पे 3 से 4 ऑयल पंप लेके आया और अपनी गाड़ी वाला बेस को जो है ना तोड़ दिया था और हमारी गाड़ी लेके भागने लगा। एंड देखना गाइस हमने उससे अपना गाड़ी किस तरीके से बनाया बचाया एंड गाड़ी को बचाने में गाइस काफी ज्यादा मजा आया मेरे को। अभी जो है ना गाइस मेरे को यहाँ पे आयरन मिला था थोड़ा बहुत बेसेस वगैरह रेड करके। सो मैंने डिसाइड करा जितना भी हमारा फर्नेस का एरिया है ना उसे मैं अपग्रेड कर लेता हूँ। एक एरिया तो अपग्रेड कर दिया, एक एरिया और बचा हुआ है उसको भी मैं फटाफट से अपग्रेड करता हूँ। हो गया गाइस फाइनली अपग्रेड तो हो चुका है। अभी जो है ना जितना भी एक्स्ट्रा मेरे पास आयरन वगैरह है मैं सारा का सारा कैबिनेट में डाल देता हूँ। यार सामान तो अपने पास काफी ज्यादा है, बस इसको ऐसे करते ना अंदर डालते हैं। तो भैया अंदर तो डाल दिया है एंड ऑयल ड्रम से एंड अभी अपने टीममेट्स ने बोला चलो भाई उस बेस को रेड मार के आते हैं एंड ऑयल ड्रम लेके चलो अपने साथ। पर यार जितना एक्स्ट्रा मटेरियल है ना वो तो मैं यहाँ पे रख ही देता हूँ। मैंने अपने टीममेट्स को रोप दी, मैंने बोला उनसे फटाफट से अपने के लिए लैडर्स बना लो, मे बी लैडर्स का जरूरत हमें वहां पे पड़ सकता हूँ क्योंकि गाइस उसका दुमंजिला बेस है। सो दुमंजिला है, 2 फ्लोर से तो डेफिनेटली अपने को वो तो लगेगा ही, आई मीन लैडर्स। तो चलो यार मैं तो निकल चुका हूँ एंड अपने टीममेट्स लोग आ ही जाएंगे यहाँ पे। तो अभी मेरे पास कुछ चड्डी बनियान था ना, मैं चड्डी बनियान यहाँ पे रखता हूँ गाइस, बोन का है, बोन का चड्डी बनियान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। तो ओके गाइस यहाँ पे अपन लोगों ने सारा का सारा सामान जो है ना वो रख लिया है एंड फाइनली अब जो है ना यहाँ पे से हम लोग चलते हैं। तो भैया यहाँ पे से मैं निकल चुका हूँ, सबसे पहले चलो उस बंदे के बेस के पास। अपने बेस के बगल में
तो इतना कोई दिक्कत होने वाला नहीं हमें, और हम जो है ना उसको इजीली रेड में मार देंगे। ओके गाइज, यहाँ पे अपने टीममेट्स तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो गाइज क्या ही गजब का बेस है। एंड इस बेस को रेड करने का प्लान था अपना। तो यार जैसे हम यहाँ पे पहुंचे ना, तो हमें यहाँ पे अपना बेस को रेड मारने का नोटिफिकेशन आएगा। सो अपने टीममेट्स लोग बोलने लगे थे यार फटाफट से चलो। एंड देखो गाइज, उस बंदे ने जो है ना यहाँ पे डोर भी तोड़ दिया है यार, डोर तोड़ दिया अपना। तो चलो यार, अब तो जाना बनता ही है। एंड वो जो है ना गाइज अपना गाड़ी लेके भागने लगा था, क्योंकि गाड़ी से तो फ्यूल मैंने नहीं निकाला था। एंड थोड़ा सा फ्यूल जो था ना गाइज वैसे निकाल दिया था, नहीं गाइज सेकंड टाइम पे नहीं निकाला था। एंड वो बंदा जो है ना गाइज अपनी गाड़ी कतई गोल 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 घुमाने लगा था। एंड आप लोग देखो यार, हमने अपनी गाड़ी उससे किस तरीके से निकाली थी। वो रहा गाइज, देखो गाड़ी घुमा रहा है काफी ज्यादा। तो हम लोगों ने बोला भैया तू रुक, अभी तेरे से गाड़ी तो हम ले ही लेंगे पर तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, बस एक जगह रुक जा। अबे किधर भाग रहा है, रुक तो जा भाई। अरे पास आया, फ्यूल निकाल। अरे भाग गया, गाड़ी अटक गया उसका। एंड अब तो यार हम लोग फ्यूल इजीली निकाल लेंगे। अब भाग भाई, किधर भाग रहा है, रुक जा, अभी तेरे को निकालता हूं नीचे। गया। तो गाइज इस गाड़ी में किसी बंदे को गिराना, आई मीन फ्यूल निकाल के, तो आप लोग कुछ इस तरीके से गिरा सकते हो। तो गाइज यहां पे हमने उसको तो मार ही दिया है, अभी जो है ना इस गाड़ी को फटाफट से हम लेके चलते हैं अपने बेस में। और के गाइज फ्यूल डालता हूं, लेट्स गो। गाड़ी को सेव करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है अपने के लिए। तो यार अभी जो है ना मैं गाड़ी लेके चलता हूं फटाफट से अपने बेस में। तो अभी जो है ना गाइज, मैंने अपने टीममेट से बोला फटाफट से ये जो अपना गाड़ी का बेस है ना उसका स्टोन का कर दो, एंड मे बी डोर जो है ना वो आयरन का कर देना। अब लगाओ बेटे बॉम्ब, जब स्टोन को हो जाएगा ना लगाओ 16 ऑयल बॉम्ब, तब आएगा बीड़ू मजा। तो यार अभी जो है ना वो सामान वगैरह लेने गए अंदर, एंड फटाफट से हम इसको अपग्रेड कर लेते हैं। तो यार मैं यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर का वेट कर रहा हूँ, फटाफट से आओ यार इसको अपग्रेड कर दो। तो यार यहाँ पे उनके पास थोड़ा सा वुड का कमी पड़ गया था, एंड फटाफट से यार यहाँ पे वुड वगैरह लेके आ चुके हैं। ओके गाइस, यहाँ पे ये जो वॉल का डोर है वो लेवल 2 का कर दिया है, तो समझ लीजिए 16 ऑयल ड्रम्स। तो यार इतने जल्दी 16 ऑयल ड्रम्स गाड़ी के लिए तो कोई लगाने वाला नहीं है। तो यार जैसे मैं यहाँ पे से जा रहा था ना, वो जिस बंदे का बेस हमने रेड किया था, एंड वो बंदा जो है ना गाइस यहाँ पे से दोबारा से आ चुका है शॉर्ट गन्स लेके। अब मारने का ट्राई करते, देखते हैं हम मार पाते हैं या नहीं मार पाते। अरे किधर है, ओके ये रहा, शॉटगन लेके आ रहा है, काफी ज्यादा गजब का सीन है। उठा लेता हूँ गाइस जितने भी आर्मर वगैरह है, वैसे मेरे बैकपैक में तो जगह नहीं है, तो मैं भी अपना टीममेट उठा लेगा। एंड यहाँ पे जो है ना गाइस मेरे को एक बॉट दिखा, तो मैंने डिसाइड करा फटाफट से उसको मारते हैं, एंड देखते हैं उससे क्या मिलता है। पर यार आजकल बॉट भी SMG नहीं दे रहा है। तो ओके गाइज, मैंने यहाँ पे ये बॉट को तो मार दिया है, तो थोड़ा बहुत सल्फर वगैरह मिला। अभी जो है ना गाइज हम लोग यहाँ पे बेस वगैरह ढूंढने के लिए चलते हैं, पिकवुड के साइड या फिर एबेंडेंट के साइड में। तो यार इस मैप का यही मेरे को काफी ज्यादा गंदा सीन दिखता है यार, रेड टाइम ऑन होते ही आधे से ज्यादा बंदों का तो बेस चुटकियों में रेड हो जाता है। अब क्या ही बोल सकते हैं गाइज। तो यार यहाँ पे हम लोग पहुंचे थे, एंड यहाँ पे जो है ना पूरा स्टोन का बेस किसी ने रेड मारा था, एंड मुझे लगता है गाइस वो काफी ज्यादा दूर से आया रहा होगा, तो उसने जो है ना गाइस अपना बेस यहाँ पे बनाया। और देखो गाइस उसके अंदर क्या ही गजब का लूट हमें मिलता है। तो यहाँ पे अपने टीममेट्स लोग चकुए से उसको तोड़ रहे हैं, तो मैं जो है ना गाइस इनको यहाँ पे थोड़ा बहुत कवर दे देता हूँ। तो कितना टाइम लगेगा, अभी भी 50% हेल्थ है, तो लगता है थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा इसमें।
ओके गाइज लगभग 20%, सो काफी जल्दी हो जाएगा। ओके गाइज यहाँ पे देखो, एंड क्या ही गजब के कंपोनेंट्स मिल चुके हैं हमें एक छोटा सा बेस को। तो मैंने जो बोला था ना आपसे, ये बंदा इस बेस का रेड मारा एंड इस बेस से जितना भी उसको सामान वगैरह मिला, सो वो एक छोटा सा बेस में अपना पूरा का पूरा सामान रख लिया था। एंड जब भी उसको मौका मिलता डेफिनेटली गाइज वो यहाँ पे से लेके चले जाता। तो हमारा मौका मिल चुका है एंड हम लोगों ने सारा सामान उठाया। एंड सबसे पहले तो वो सारा का सारा सामान जो है ना गाइज हम लोग शिफ्ट कर लिए थे अपने मेन बेस में। तो चलिए गाइज अभी जो है ना हम लोग आगे निकलते हैं और बेसेस देखने के लिए। तो यार यहाँ पे हमें एक बेस दिखा जो कि वन फाउंडेशन में था, सो मुझे लगता नहीं है कि इससे कुछ हमें मिल पाएगा। तो हम लोग यार बेस वगैरह ढूंढने के चक्कर में और आगे पहुंचे एंड यहाँ पे हमें काफी ज्यादा बड़ा बेस तो दिखा पर वो ऑलरेडी लूटेड था। तो यार ये भी क्या ही गजब का बेस है एंड इस बेस में तो कुछ भी खास नहीं था। तो चलो गाइज अभी जो है ना मैं फटाफट से निकलता हूं। तो यार यहां पे घूमते घूमते मैं यहां पे पहुंचा एंड देखो गाइज ये बेस जो है ना, ये बेस भी बंदा रेड कर लिया था। लगभग यार ऑयल ड्रम तो काफी ज्यादा लगाया ये बंदा। तो मैंने डिसाइड करा यहां पे देखता हूं बॉक्सेस वगैरह होगा तो हम इनको भी रेड मारने का ट्राई करते हैं। ओके यहाँ पे एक बॉक्स तो दिख रहा है एंड वो देखते हैं हमारी किस्मत में क्या है। तो चलो गाइस फटाफट से इस बेस को रेड मारते हैं। सो यहाँ पे जो है ना मेरे पास ऑयल ड्रम्स वगैरह ज्यादा नहीं थे, ओनली 3 ऑयल ड्रम्स थे। सो मैंने अपने टीममेट से बोला तुम्हारे पास ऑयल ड्रम्स वगैरह है, सो वो बोले हाँ भाई मेरे पास ऑयल ड्रम्स है। तो मैंने डिसाइड करा, मैंने उनसे बोला कुछ ऑयल ड्रम्स जितने मेरे पास है मैं वो वहां पे लगा देता हूँ एंड बाकी बचे हुए तुम लगा देना। ओके गाइज यहाँ पे वो भाई आ चुके हैं, फटाफट से यहाँ पे बॉम्ब्स लगाते हैं। तो ओके गाइज यहाँ पे ये वॉल तो टूट चुका है एंड अभी देखो इसका कैबिनेट किधर है। सो फटाफट से यार यहाँ पे हमने लैडर्स लगाई। तो यार अपन लोग तो ऊपर नहीं चढ़ पा रहे पता नहीं क्यों नहीं। तो मैंने यहाँ पे अपने टीममेट से बोला यहाँ पे बैठो एंड यहाँ से मुझे लगता है कि मैं ऊपर इजिली चढ़ जाऊंगा। फिर क्या था गाइज हम लोग ट्राई करना कर दिए स्टार्ट एंड काफी जल्दी ट्राई में मैं ऊपर चढ़ जा रहा था। देखते हैं ऊपर के जो बॉक्सेस है ना उनमें क्या मिलता है। तो चलो गाइस फटाफट से ऐसे करते ना कि यहां पे से हम लोग निकलते हैं। तो भैया यहां पे कुछ होएगा, थोड़ा सा सामान मिला, 600 सल्फर मिला। चलो गाइज यार कैबिनेट में तो बॉम्ब लगाना पड़ेगा एंड मेरे पास बॉम्ब नहीं है। तो चलो यार अपने सब्सक्राइबर भाई के पास है एंड वो फटाफट से यहाँ पे बॉम्ब लगाएंगे एंड कैबिनेट फोड़ते हैं। चलो देखते हैं क्या मिलता है। अरे भैया नॉक हो गई है। ओके यार थोड़ा सा आयरन मिला, थोड़ा सा वुड मिला, थोड़ा सा स्टोन मिला जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। तो चलो गाइज यार फटाफट से हम लोग निकलते हैं यहां पे से अपने बेस में। यहां पे एक बंद भाई तो सेल्फ मार के सीधा गए ऑफ। जो है ना गाइज हम लोग फटाफट से निकलते हैं एंड ये बेस देख रहे हो गाइज, इस बेस को हमने रेड तो मारा
एंड पूरा रेड मार लिया था, पर इसका जो कैबिनेट था ना, उस बंदे ने अपना कैबिनेट को आयरन के अंदर रखा हुआ था। सो उसमें जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिमाग खराब हुआ। फिर भी गाइस चलो कोई नहीं, होता है, बॉम्ब वेस्टिंग चलती है। ओके गाइस फाइनली यहाँ पे हम लोग अपने बेस में पहुँच चुके हैं। तो चलिए गाइस यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड मन करे तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइज यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। सो बाय बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और क्या करें गाइज, सजेस्ट करो और नए गेम्स, क्योंकि काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो बाय बाय।